गली गली है अंधेरा, तो मेरे साथ चलो। गली गली है अंधेरा, तो मेरे साथ चलो। तुम्हें ख्याल है मेरा, तो मेरे साथ चलो। गली गली है अंधेरा, तो मेरे साथ चलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम जिस मशहूर शायर की ज़िंदगी के बारे में जानने वाले हैं, उनका नाम है शमीम करहानी। कविता, गीत, गज़ल, रुबाई, मुकद्दस, मरसिया, कतात लिखने वाले शमीम करहानी एक क्रांतिकारी शायर थे। शमीम करहानी का जन्म उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले के एक देहात करहान में 8 जून 1913 को हुआ। उनका असली नाम सैयद शमशुद्दीन हैदर था। उनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद अख्तर, माताजी उम्मतुल जहरा, पत्नी का नाम सैयदा काजमी बानो। उनके 3 बेटे हैं, आबिद करहानी, सलमान करहानी, मुराद करहानी। पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की थी और मौलवी कामिल मुंशी से भी शिक्षा ली थी। उन्होंने कुछ वक्त तक आजमगढ़ के स्थानीय स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया। फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा, फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। 1950 में वो एंग्लो अरबिक हायर सेकेंडरी स्कूल में फारसी के अध्यापक नियुक्त किए गए। ये अंग्रेजी हुकूमत का दौर था और उनकी नज़मों में, गज़लों में इनकलाबी तेवर पाए जाते थे। महात्मा गांधी की शहादत से प्रभावित होकर 1948 में उन्होंने लिखी नज्म जगाओ न बापू को नींद आ गई है बहुत मशहूर हुई। चलिए दोस्तों, जानते हैं शमीम करहानी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। शमीम करहानी उनका खुद का चुना हुआ तखल्लुस था। कभी कभी तो अपना असली नाम भी भूल जाते थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने शायरी लिखना शुरू की। देशभक्ति पर लिखे उनके गीत और नज्म लखनऊ और बनारस की प्रभात फेरियों में गाए जाते थे। शमीम करहानी मशहूर कहानीकार अली अब्बास हुसैनी की भांजे हैं। शायरी के अलावा उन्होंने हिंदी उपन्यास और नज्मों के उर्दू अनुवाद भी किए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू शमीम की कविताओं से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने कांग्रेस इलेक्शन मीटिंग लखनऊ में उन्हें बुलाया और आज़ादी के बाद दिल्ली में बुलाकर उर्दू में फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया लिखने का न्योता दिया। इस काम के लिए उन्हें सहायता राशि भी प्रदान की गई थी। 7 फरवरी 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शमीम की डायरी में लिखा, अ पोएट शुड मेक हिज लाइफ इट्सेल्फ अ पोएम। शमीम करहानी है संग ऑफ इंडियाज फ्रीडम। आई होप He will continue to do so and enjoy this freedom. उनका कविता संग्रह रोशन अंधेरा भारत छोड़ो आंदोलन को समर्पित है। चलिए दोस्तों, उनके प्रकाशित काव्य संग्रह को देखते हैं। बरको बारा, रोशन अंधेरा, तराने, बढ़ चल रहे हिंदुस्तान, तामीर ए नौ, अक्स गुल, इंतकाब ए कलाम ए शमीम करहानी, जुल्फिकार, हर्फ ए नीम शब, जाने बिरादर, सुबह फरहान, मैं बुतारा भी, कालिद ए इंशा, पुष्प छाया। उनको कई सम्मान से भी नवाजा गया, जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 1964 में अक्स ए गुल के लिए उन्हें सम्मानित किया, 1972 में हर्फ ए नीम शब के लिए उर्दू एकेडमी ने उन्हें सम्मानित किया, 1972 में स्वरूप नारायण उर्दू नज्म अवार्ड से और रंगा के गीत के लिए भारत सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया। अपने अंतिम दिनों में वो दिल्ली में रहे। 18 मार्च को उन्होंने अपनी पुरानी गजल में कुछ नई पंक्तियां जोड़ी।
शायद वो जानते थे उनका वक्त करीब आ गया है। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार थी, ये दायरे गफलत के शौक है ना हमारे साथ चले कोई, कि गुजर रहे हैं वहाँ से हम जहाँ खुद हमारा गुजर नहीं। दोस्तों उसी दिन उनका ब्रेन हेमरेज हुआ और दूसरे दिन 19 मार्च 1975 को उनका देहांत हो गया। आइए दोस्तों शमीम करहानी की कुछ चुनिंदा शायरी को सुनते हैं। कैद ए गम हयात से हमको छुड़ा लिया, अच्छा किया कि आपने अपना बना लिया, होने दिया न हमने अंधेरा शबे फिराक, बुझने लगा चिराग तो दिल को जला दिया, चमन लहक के रह गया घटा मचल के रह गई, तेरे बगैर जिंदगी की रुत बदल के रह गई, कश्तियां नहीं तो क्या हौसले तो पास है, कह दो ना खुदाओं से तुम कोई खुदा नहीं, यह खुशी गमे जमाना का शिकार हो ना जाए, ना मिलो ज्यादा हमसे कहीं प्यार हो ना जाए, जो मचल रही है शीशे में हसीन है वो शबनम, मेरे लब तक आते आते वो शरार हो ना जाए, कुछ और बढ़ गई तन्हाइयां मेरे दिल की, जहां भी अंजुमन आराइयां मिले मुझको, चमन में चांद में तारों में जाम मीना में तुम्हारी याद की परछाइयां मिली मुझको, दिए जले तो हजारों मगर मैं क्या करता, कि रूह जश्न चरागाह में भी अकेली थी, मैं कौन हूँ मैं कहाँ हूँ मुझे न था मालूम, कि तुम न थे तो मेरी जिंदगी पहली थी, याद आपकी सुबह ढल गई शौक की शाम हो गई, आपके इंतजार में उम्र तमाम हो गई, साथ किसी ने छोड़कर तोड़ दिया किसी का दिल, चल तो पड़ा था कारवा राह में शाम हो गई, रखना है सो फूलों को रख तू निगाहों में, खुशबू तो मुसाफिर है खो जाएगी राहों में।